रीवा में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। ये शर्म की बात है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठकर सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोविड-19 से लड़ाई की बात कर रहे हैं। रीवा रेलवे स्टेशन के पास एक बीमार व्यक्ति को डायल 100 ने ये कहकर हाथ लगाने से मना कर दिया कि ये कोरोना संदिग्ध हो सकता है, और फिर इसके बाद एक नहीं दो एम्बुलेंस आई, लेकिन इन दोनों ने बीमार व्यक्ति को ले जाने से इसलिए मना कर दिया कि उनके पास किट नहीं है। अब सवाल ये कि क्या इसी तरह जुबानी जमा खर्च से सरकार कोरोना से जंग जीतेगी। रीवा में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालयों से अपील करते नजर आए, परंतु जमीनी स्तर पर कोविड-19 के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। रीवा रेलवे स्टेशन के समीप बीमारी की हालत में पड़े एक व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पहले डायल 100 पुलिस पहुंची, जिसने उसे कोरोना संदिग्ध मरीज मानकर हाथ लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन उनके पास पीपीटी किट नहीं थी, जिससे उन्होंने भी मरीज को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। सीएमएचओ के निर्देश पर कोरोना संदिग्धों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बिना पीपीटी किट के उसको ले जाने से मना कर दिया। करीब 4 घंटे तक मरीज रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा। इस दौरान पुलिस सहित स्थानीय लोग तमाशबीन बनकर वहां खड़े रहे। अब सवाल ये है कि जब कोविड-19 के बचाव के लिए घूम रही एम्बुलेंस में कोरोना से लड़ने की किट की व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या सिर्फ दिखावा करने के लिए एम्बुलेंस को शहर में घुमाया जा रहा है? चिकित्सकों को कोरोना किट तक नहीं दी गई है। जब सस्पेक्टेड किट में हमको किट नहीं मिल रही है, क्या दिक्कत आ रही है? आप पेशेंट को लेने आए हैं, हमारे पास किट नहीं है, तो अभी पेशेंट नहीं जाएगा यहाँ से? नहीं, बिना किट के हम उसको टच नहीं करेंगे। जब तक हमारे पास सेफ्टी किट नहीं रहेगी, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। सेफ्टी किट होने के बाद ही हम उसको टच कर सकते हैं। ये मुझे सुबह 8 बजे से मैं यहाँ पे आई, मेरे को पता चला तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं रेड क्रॉस से आई हूँ। ये बहुत, मतलब हमको लगा कि ये बहुत सस्पेक्टेड है, क्योंकि इसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बुखार भी है इसको, और ये उठ भी नहीं पा रहा है। हम लोगों ने 100 पर नंबर पे डायल किया, 100-108 पे डायल किया, CMHO से बात की, SP से बात की, फिर SP साहब ने चुरहट्टा थाने से अपनी गाड़ी भेजी, और 108 जो नॉर्मल है वो आई। जबकि हमने CMHO साहब को बता दिया था कि ये हमको सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी नॉर्मल ये 108 गाड़ी आई है। और 8 बजे से अभी कितना टाइम हो रहा है, 10-10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे तक हम लोग बराबर लगे हुए हैं। अभी शायद बोल रहे हैं कि 10 मिनट में जो कोरोना पेशेंट को लेके जाती है वो गाड़ी आ रही है। आप देखिए कब आती है, हम लोग वेट कर रहे हैं। हमें पहले केस मिला था, हम यहाँ आए थे लेने, लेकिन हमारे पास कोई किट अप्रूव नहीं थी, इस वजह से LS गाड़ी को बुलवाए हैं। LS गाड़ी आई है, अब वो केस लेके जाएगी। कोरोना का केस तो वही LS गाड़ी करती है, LS गाड़ी लेके जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।